सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप में दो दिन पहले 8 और 9 मई को बहरोड शहर में गोली चलने की झूठी अफवाह फैलाने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दो मोबाइल जब्त किए हैं। ऐसे मैसेज से लोगों में भय बना हुआ था। यह मैसेज श्याम केश नाथ रिस्की के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप पर लोगों के पास व्हाट्सएप मैसेज आए, जिनमें इन युवकों ने हथियार के साथ बदमाश परवर्ती के एक युवक की हथियार के साथ फोटो डालकर व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज में डाला कि मैं सचिन चौधरी जाट सरकार नीम का थाना से हूँ। 8 और 9 जून को बहरोड में हरियाणा का जाना माना व्यक्ति ओकेंद्र राणा आ रहा है, कोई मैटर हो गया है। सभी लोग ध्यान से रहिए कि इस दिन आप किसी की भी लड़ाई दंगा हो जाए तो उसमें ना जाएं, क्योंकि इस दिन बहरोड में गोलियां चलेगी, क्योंकि रात में ही मेरी ओकेंद्र राणा के भाई से बात हुई थी। इस मैसेज को डीएसपी जनेश सिंह तंवर ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम लगाई। इसके बाद पुलिस ने विनोद कुमार पुत्र राजेश कुमार यादव निवासी नांगल खेड़िया और ललित कुमार पुत्र बस्तीराम यादव निवासी बूढ़वाल से दो मोबाइल जब्त कर दस्तयाब के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और आपराधिक इतिहास के बारे में भी मालूम किया जा रहा है। इस घटना में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा जो भी संलिप्त हैं, उनके बारे में गहनता से अनुसंधान जारी है। परसों और कल सोशल मीडिया पर कोई मैसेज चल रहा था कि कोई हरियाणा का जाना माना बदमाश ओकेंद्र राणा है, कोई जिसका हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड नहीं, लेकिन उसको बदमाश बताया गया था। और ये बताया गया कि 8 और 9 तारीख को यहाँ वो आएगा, और उसके तरफ से भी या उसके ऊपर कोई गोलियाँ चलेंगी, ऐसा करके भयभीत कर देने वाला और समाज में दहशत फैलाने वाला ये मैसेज चलाया गया, जिस पर जांच की गई तो जो मोबाइल नंबर जिससे फैलाया गया, उस मोबाइल होल्डर को विनोद कुमार को और उसके एक साथी है ललित कुमार, इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप से, दो व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनसे ये मैसेज फैलाए गए, एक से तो विनोद के पास आया, एक विनोद ने अगले ग्रुप में दिया। इन दोनों ग्रुप के एडमिन को मुलजिम बनाया जाएगा, तथा जो इसमें दो मुलजिम और हैं, एक नीमका थाना का है और एक ये ओकेंद्र राणा है, इनसे भी पूछताछ की जाएगी कि ये इनके नाम से मैसेज कैसे चले। इसमें बड़ी गहनता से और तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। जितने मुलजिम होंगे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि इससे समाज में और शहर में काफ़ी ज़्यादा बेवजह दहशत फैलाई गई है, जो कि अपने आप में बहुत घृणित काम है। इसके लिए आज दो मुलजिम अरेस्ट कर लिए, बाकी जल्दी कर।